जीशान, क्या सोच रहे हो बेटा? खाना शुरू करो। आ जा रहे हो आपसे मतलब? ये तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ यही बहुत, वरना वरना क्या जीशान? जो कुछ आपने किया है ना, उसके बाद तुम मुझे आपको मुखातिब भी नहीं करना चाहिए। जीशान तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अम्मी एक मिनट, जीशान क्या तुम्हें भी यही लगता है कि गलती मेरी है? भाई मैं नहीं जानता कि गलती किसकी है, लेकिन इस घर में किसी की अधर्मी की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है और किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह ना होती ना तो उसे मनाने के लिए ना जाती मैं, मगर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और बजाय उसे समझाने के तुम अपने बड़े भाई को इल्जाम दे रहे हो। बेटा अगर उसने आना होता ना तो वो मेरे जाने पर भी आ सकती थी। वो आपसे नाराज होकर तो नहीं गई ना अम्मी? आपको तो उसे मनाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा भाई झुक जाए उसके सामने? गलती इन्हीं की है ना, तो माफी मांगने भी इन्हें ही जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में आपकी इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है।